की बात है, गांव की गलियों में जब बातें फैली तो एक नाम जो सभी की जुबान पर होता था वो था कमला। गांव के लोग उसे लालची शहद वाली के नाम से भी जानते थे। कमला गांव में एक पुरानी और अकेली महिला थी जिनकी बुढ़ापे में लालसा बढ़ गई थी और वह बाजार में अपने खुद के शहद का कारोबार करने लगी थी। गांव की चौपड़ में रोज भीड़ लगी रहती थी क्योंकि यहां की सड़क गांव की व्यापारी जिंदगी की गति दिखाती थी। रोजाना यहां विभिन्न विक्रेताओं और खरीददारों का आना जाना रहता था। लोग अपने अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश में लगे रहते थे। गांव की यह व्यवस्था एक बड़े बाजार की तरह ही काम करती थी जहां हर एक विपणन कर्मी ने अपने उत्पादों को बेचने का प्रयास किया करते थे। कमला बाजार में अपनी खुद की शहद की दुकान लगाने लगी। वह जंगलों से शहद खरीदकर बाजार में बेचती थी, लेकिन उसकी खुद की खोज में लालसा इतनी बढ़ गई थी कि उसने खुद की अच्छे शहद की बजाय अन्य खराब वस्तु के साथ मिलाकर बेचने की शुरुआत कर दी। गांव के लोग कमला की शहद की दुकान पर शहद खरीदने आते थे। वह उनके सामने मिले खराब शहद के डिब्बे खोलती और उनसे कहती, देखो यह शहद बहुत पुराना है, गुड़ नहीं है, मैंने इसकी कीमत भी कम कर दी है, आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे और उसके बताए दाम पर शहद खरीद लेते थे। कमला बहुत होशियार थी, उसे किसी के बारे में गलत जानकारी देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी क्योंकि उसे तो सिर्फ अपने फायदे की चिंता रहती थी। कमला का दिन कुछ इस तरह गुजरता था। वह सुबह सुबह उठकर जंगल में जाती और खराब शहद को अच्छे शहद के साथ मिलाकर डिब्बों में डालती थी, फिर बाजार में आकर उन डिब्बों को बेचने का प्रयास करती थी। गांव के लोग उसकी बातों में आकर उसके खराब शहद को खरीद लेते थे। एक दिन बाजार में विभिन्न विक्रेताओं के बीच बातचीत हो रही थी। कुछ लोग कमला की दुकान के खराब शहद के बारे में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, आखिरकार ये कमला किस तरह से बिना किसी को पता चले अपने खराब शहद को बेच रही है, उसका यह काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। दूसरा व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो, उसकी चालाकियां अब सभी के सामने आ गई है, उसने लोगों की विश्वासघाती की है और उसकी कमाई बढ़ गई है। कमला की दुकान में गांव के अन्य लोग भी आकर शहद खरीदने आते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्हें खराब शहद बेचा जा रहा है। कमला की चालाकियों के कारण वह गांव के लोगों की शहद की मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पास सिर्फ खराब शहद ही था। गांव के लोग धीरे धीरे कमला की खराब शहद के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे थे। एक दिन गांव के अन्य व्यापारी ने कमला की दुकान में गुप्त रूप से गया और उसकी खराब शहद की बात जान ली। व्यापारी ने गांव के लोगों को सच्चाई बता दी। गांव के लोग बहुत ही गुस्से से कमला की दुकान पर आए और उससे खराब शहद की बजाय अच्छे शहद की मांग की। कमला ने गांव के लोगों से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह खराब शहद के बजाय असली और अच्छा शहद बेचेगी। गांव के लोगों ने कमला को माफ कर दिया और उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। कमला ने उस पल से सबक सीखा कि लालसा और बड़े बड़े वादों से किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। गांव के लोगों ने भी सीखा कि बड़ी बड़ी बातों के पीछे न जाएं, बल्कि सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गलत रास्ते चुनने से हमारा जीवन मुश्किलों में पड़ सकता है और सच्चाई को पहचानने से हम गलतियों से बच सकते हैं।